मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में कम मतदान दर्ज किया गया। इससे जाहिर होता है कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दल मतदान के लिए प्रचार प्रसार ठीक तरीके से नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान में 76% वोट डाले गए, जो दूसरे चरण में घटकर 58 ही रह गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम 6 बजे तक 6 लोकसभा सीटों में कुल 58.35% मतदान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ में 59.79, दमोह में 56.68, खजुराहो में 56.44, सतना में 61.87, रीवा में 48.67 और होशंगाबाद में 67.86% मतदान हुआ। मतदान कम होने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ये जनता से पूछना चाहिए कि आखिर मतदान कम क्यों हुआ है। साल 2019 में इन सीटों पर 67% मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि इस बार चुनाव का जिस तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए था, मतदान के लिए लोगों में जिस किस्म की जागरूकता लाने की कोशिश प्रशासन को, चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी, इसमें चुनाव आयोग के अधिकारी और प्रशासन पूरी तरीके से असफल रहे हैं। वहीं राजनीतिक दल भी अपने बारे में पूर्व धारणाएं बनाए हुए हैं, जिस वजह से राजनीतिक दलों ने भी उस किस्म का प्रचार नहीं किया जैसा हमेशा चुनाव में होता है। ये भी एक वजह रही कि मतदान का प्रतिशत घटा है। मैंने बताया ना आपको कि 2019 में इन सीटों पे जो औसत था वो 67% था और अभी 58.35 है, तो कम हुआ। नहीं नहीं, स्थिति न बने हम वो कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता। हम प्रयास कर सकते हैं, हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब उसके बाद वोटिंग परसेंटेज, जनता उस दिन वोट देने आती है कितना आती नहीं आती, अपना काम है। हम मतदाता की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, प्रयास जारी है कि अधिक से अधिक लोग वोट करें। आपके माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी शुरू से बने हर दिन बातचीत करते हैं और जब भी मौका मिलता अपील करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।